फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाए पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? दो वस्तु में से एक का द्रव्यमान क्या करना, दुगना कर देना है। जब एक का मान दुगना करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रारंभ में क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल? तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। चलिए जितने भी साथी हैं सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है टाइम टाइम पर मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न के त्यौहार को फगुआ के नाम से जानते हैं। फगुआ किसको जानते हैं? होली के त्यौहार को बोलते हैं फगुआ त्यौहार। कौन सा? होली के त्यौहार को हम फगुआ के नाम से जानते हैं। किस त्यौहार को? होली के त्यौहार को हम फगुआ त्यौहार के नाम से जानते हैं। सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक अवधारणा के अनुसार सही नहीं है? बताइएगा कौन जो है सही नहीं है, बताइए कौन सही नहीं है। तो ध्यान समझिएगा, पहले वैश्य और आम लोग पुरुष की जांग से उत्पन्न हो सही है ये। क्षत्रिय योद्धा शासक क्या पुरु की बाहों से उत्पन्न हो, ये भी सही है। अगला देखिएगा, देखिए शूद्र मजदूर और सेवक पुरु के चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, पुरुष के कान से ब्राह्मण या पुरोहित उत्पन्न हुए तो ये गलत है, चौथा गलत है। क्या है? चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता निम्न नदी के तट पर फली फूली, बताइएगा। बताना दोस्तों आपको, आपको बताना कि जो वैदिक सभ्यता है निम्न नदी के तट पर फली फूली है, बताइए किस? तो ये सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी के तट पर फली फूली है। कौन? वैदिक सभ्यता। दोस्तों जो वैदिक सभ्यता है सरस्वती नदी के तट पर फली फूली है, मतलब विकास हुआ है। फली फूली मतलब क्या हुआ? वैदिक सभ्यता का जो विकास हुआ है सरस्वती नदी के तट पर हुआ। किस पर हुआ है? सरस्वती नदी के तट पर हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी, क्या क्वेश्चन? यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर 24 सेंटीमीटर, क्या है? उत्तल दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या जो है 24 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? देखिए त्रिज्या अगर 24 सेंटीमीटर है, क्या त्रिज्या अगर 24 सेंटीमीटर है तो फोकस जो हो जाएगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर। क्या होगा? जो फोकस लंबाई है आधा हो जाती है। क्या हो जाती है? त्रिज्या की आधा हो जाती है फोकस लंबाई। अगर त्रिज्या का मान दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है 24, क्या वक्रता त्रिज्या अगर 24 दिया है तो फोकस लंबाई हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या होगा? फोकस लंबाई हो जाएगा 12 सेंटीमीटर होगा फोकस लंबाई। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी से 1166 सीई में हुआ था। कब हुआ था? 1166 सीई में हुआ था। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, पृथ्वीराज चौहान का जन्म, किसका बोला है? पृथ्वीराज चौहान का जन्म जो है राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरी देवी से हुआ था। कब हुआ था? 1166 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1166 में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत दूर है, आंसर बहुत दूर। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, निम्न अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। कौन कौन है जो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है? तो कौन है संगम पर स्थित दोस्तों? तो संगम पर जो स्थित है रुद्रप्रयाग। कौन दोस्तों? जो रुद्रप्रयाग है आपका, कौन? जो आपका रुद्रप्रयाग है वो दोस्तों आपके, हाँ, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। चौथा राइट होगा। क्या होगा राइट आंसर? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय तारों का टिमटिमाना निम्न का कारण होता है। रात के समय तारों का जो टिमटिमाना है निम्न का कारण, किसका कारण होता है? तारों का टिमटिमाना तो वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण होता है। किसका होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होते हैं ना, जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? तो जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग क्षतिग्रस्त होने के बाद फिर विकसित हो सकता है? कौन सा अंग है जो क्षतिग्रस्त होने के बाद फिर विकसित हो सकता है? तो वो है यकृत होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जिगर, बोलते हैं लीवर। तो दोस्तों देखिए, जो यकृत होता है क्षतिग्रस्त होने के बाद फिर से विकसित हो जाता है, उसी को बोलते हैं यकृत, उसी को बोलते हैं जिगर, उसी का नाम है लीवर। क्या नाम है? लीवर नाम उसी का है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सेकेंड, क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मालुस पमिला क्या है? मालुस पमिला के वृक्ष का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मालुस पमिला वृक्ष, हाँ मालुस पमिला के वृक्ष का जो है वनस्पतिक नाम है, किसका वनस्पतिक नाम है? तो ये केला का है, मालुस पमिला जो है, हाँ केला का वनस्पतिक नाम है। चलिए सेकेंड इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों, तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एक एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि बनलाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये बनलाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको यहाँ चैप्टर वाइज बनलाइनर क्वेश्चन, जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 या क्वेश्चन रटने बच्चे, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 से फिर नहीं मिलेगी, हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 से नहीं मिलेगी, कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 से लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन माने सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई, दोस्तों आज ही विज्ञान 40 चलें और अपना साइंस में 25 में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुंग कोलेम किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा, क्या बताना है? पुंग कोलेम जो है, पुंग कोलेम किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए तो पुंग कोलेम जो लोक नृत्य है मणिपुर का है, कहाँ का है? मणिपुर का जो है लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जितने साथी वीडियो देख रहे हैं एक बार शेयर कर देंगे सभी दोस्तों को, ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुँच जाए। देखिए, शाहजहाँ खुर्रम के रूप में किसे जानते हैं? खुर्रम के रूप में शाहजहाँ को, शहजादा खुर्रम के रूप में किसको जानते हैं? शाहजहाँ को जानते हैं, शहजादा खुर्रम के रूप में। चौथा इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न ने बाल चक्र संघ की स्थापना की? बताइएगा, किसने जो है बाल चक्र संघ की स्थापना की, जहाँ बच्चों को कताई और बुनाई सिखाई जाती है? क्या सिखाई जाती है? कताई और बुनाई सिखाई जाती है। बताइएगा 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 13 का जो राइट आंसर होता है दोस्तों, इंदिरा गांधी ने, किसने? इंदिरा गांधी ने बाल चक्र की स्थापना किया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि पूछ देगा बाल चक्र संघ की स्थापना किसने किया, तो आपको बताना इंदिरा गांधी ने। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, 1997 में अरुंधति राय ने किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता? बताइएगा, 1997 में अरुंधति राय ने किस पुस्तक के लिए जो है मैन बुकर पुरस्कार जीता, ये आपको बताना है। तो ये जीता दोस्तों, मैन बुकर पुरस्कार जीता था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। किसके लिए जीता है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए पुस्तक जीता। इसका सेकेंड राइट होगा, क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? चूने के पानी का जो रासायनिक नाम है किसका दोस्तों? चूने के पानी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH2, CaOH2, है ना। चलिए अगला देखिए, चलिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को रट लीजिए, क्योंकि पेपर के लिए जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं
रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को रट लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोसन म्यूट्स, क्या दोस्तों बोसन म्यूट्स जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो जंगली याक, क्या होते हैं जो जंगली याक होते हैं उसका वैज्ञानिक नाम है बोसन म्यूट्स। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट, सार्वजनिक कंपनी बनने वाला भारत का पहला बंदरगाह है, कैसा? सार्वजनिक कंपनी बनने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो यह एन्नोर बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? तो बंदरगाह का नाम है एन्नोर बंदरगाह है। सार्वजनिक कंपनी बनने वाला भारत का पहला बंदरगाह है एन्नोर। देखिए कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो कांडला है गुजरात में। मैंगलोर बंदरगाह कहाँ? कर्नाटक में। मार्मागोवा कहाँ पर स्थित है? तो यह है गोवा में स्थित है। कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट, आवर्त में तत्वों को क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो किस में व्यवस्थित किया गया था? हाँ बताइएगा, नाभिक में घटते हुए आवेश, नाभिक में स्थिर आवेश, नाभिक में समान आवेश, नाभिक में बढ़ते हुए आवेश। तो ये व्यवस्थित जो किया गया दोस्तों नाभिक में बढ़ते आवेश किसके आधार पर? नाभिक में बढ़ते आवेश के आधार पर व्यवस्थित किया गया, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नाभिक की अगर बात करोगे तो नाभिक में क्या होता है? तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है नाभिक में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए सभी जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करते रहिए आंसर। नेक्स्ट को, शरीर में निम्न की अधिक मात्रा क्या हो जाता है? गठिया का कारण बन जाता है, गठिया रोग होता है। क्या होता है? जो गठिया रोग होता है ना उसका कारण बन जाता है। बताइएगा शरीर में किसकी अधिक मात्रा जो है गठिया रोग का कारण बन जाता है? बताइए शरीर में निम्न की अधिक मात्रा के कारण गठिया का कारण बन जाता है। तो गठिया का जो कारण बन जाता है दोस्तों यूरिक अम्ल के अधिक कारण, किसके कारण? यूरिक अम्ल की अधिकता के कारण जो है गठिया रोग बन जाता है, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्राकृतिक मोती में किसमें? हाँ देखिए बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक मोती में कैल्शियम कार्बोनेट 80% से अधिक है। क्या है? जो प्राकृतिक मोती होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है 80% से भी अधिक। मतलब सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक मोती होती है उसमें सबसे जो अधिक पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट सबसे अधिक पाया जाता है, फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को कब स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। बताइएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया 1907 में। कब किया गया था? 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छे अच्छे वीडियो जो हम करवा रहे हैं, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल सेट हो गया, वन लाइनर क्वेश्चन हो गया, इन सभी के जो है वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है। चलिए क्वेश्चन क्या है, नार्सिसस, क्या दोस्तों? नार्सिसस के वनस्पति नाम से निम्नलिखित में से किस फूल को जाना जाता है? किस फूल को जाना जाता है ये आपको बताना है। तो किसको बोलते हैं? डैफोडिल के, क्या है? डैफोडिल फूल है। नेक्स्ट देखिए अगला, पूर्ण कुंभ मेला प्रति कितने वर्ष में चार स्थान प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है? पूर्ण कुंभ मेला 12 वर्ष में, कुंभ का जो मेला लगता है कितने वर्ष में लगता है? तो कुंभ का जो मेला लगता है 12 वर्ष में लगता है। कितने वर्ष में? 12 वर्षों में लगता है कुंभ का मेला, सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? तो जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत को क्या है? भारत को किस अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान विभाजित किया गया था? तो ये अधिनियम का नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। किसके तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया गया था, फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए। देखिए जिसमें जीके और साइंस के क्वेश्चन आते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन तैयार है ना रेलवे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो रट लीजिए हर एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन रट लो। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा मुद्रण और खनन निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड का
टकसाल नहीं है। कौन बताइए टकसाल नहीं है? देखिए भारत सरकार का टकसाल जो गोरखपुर है ये भारत सरकार का नहीं है, कोलकाता है भारत सरकार का, मुंबई है, हैदराबाद है, लेकिन जो गोरखपुर है यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर? गोरखपुर में टकसाल नहीं है। तो सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न को बा के नाम से जाना जाता है, किसको? किसको बा के नाम से जाना जाता है? तो कस्तूरबा गांधी। किनको दोस्तों? कस्तूरबा गांधी को बा के नाम से जाना जाता है। किनको जाना जाता है बा के नाम से? तो कस्तूरबा गांधी को जो है बा के नाम से जाना जाता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। चलिए आंसर बताइए, कितने लोग से इसका आंसर बन जाएगा? बताइए आंसर, जिनसे भी आंसर बन जाएगा सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन क्या है? चेतन भगत की किस पुस्तक पर हिंदी फिल्म काई पोचे आधारित है? हिंदी फिल्म का नाम क्या है? हिंदी फिल्म का नाम है काई पोचे। बताइएगा चेतन भगत की किस पुस्तक पर आधारित है? चेतन भगत की किस पुस्तक पर आधारित है काई पोचे? चलिए आंसर कीजिएगा। तो ये आधारित दोस्तों थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, किस पर आधारित है? थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है। सेकेंड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, जो गिरी राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है गिरी राष्ट्रीय उद्यान? एशियाई शेर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिरी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस्लामिक कैलेंडर निम्न दिन, दोस्तों इस्लामिक कैलेंडर निम्न दिन शव्वाल के पहले दिन ईद अल फितर मनाता है, मनाया जाता है या मनाते हैं? कुछ भी, चलिए बताइए। तो ये मनाते हैं दसवें दिन। क्या दिन? शव्वाल के पहले दिन जो है ईद अल फितर मनाया जाता है इस्लामिक कैलेंडर के दसवें दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल डायंथियस के वनस्पति नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? डायंथियस के वनस्पति नाम से जाना जाता है। तो यह फूल का नाम क्या है? गुलनार। इसका फूल है गुलनार का फूल। किसका फूल है दोस्तों? तो गुलनार का फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों और पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बताइएगा। तो ये तकनीक का उपयोग करते हैं दोस्तों सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों? सोनार का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? चंडीगढ़, तो पंजाब और हरियाणा दोनों की है। जो चंडीगढ़ है ना पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। बी नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ONGC ने किस स्थान पर देश के पहले सेल गैस रिजर्व की खोज की है? बताइएगा, ONGC ने, बताइएगा, आपको बताना है ONGC ने किस स्थान पर देश के पहले सेल गैस रिजर्व की खोज की? तो ये खोज किया था दोस्तों, कब किया दोस्तों? दुर्गापुर। किस स्थान पर खोज किया गया था? दुर्गापुर पर किया गया था। ONGC ने खोज किया, किसने खोज किया? ONGC ने खोज किया था गैस रिजर्व का, कहाँ पर? दुर्गापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न गुजरात राजस्थान में कपड़ा पर किया जाने वाला एक कला का नाम है, क्या? कौन सी कला का नाम है? बताइए। तो ये जो कला का नाम है बांधनी। कौन सी कला का नाम है? बांधनी कला का नाम है। सेकेंड राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय बायोटेक कंपनी बायोकॉन क्या है? भारतीय बायोटेक कंपनी बायोकॉन के संस्थापक कौन है? किसके संस्थापक? बायोकॉन के संस्थापक कौन है? बताइए, बायोकॉन के संस्थापक। तो बायोकॉन के जो संस्थापक हैं किरण मजूमदार शाह हैं। कौन है? किरण मजूमदार शाह हैं,
बायोकान के संस्थापक, किसके संस्थापक हैं? बायोकान के संस्थापक हैं, कौन है बायोकान के? किरण मजूमदार साहब। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइंस की क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्टोफोबिया का जो डर है, नेक्टोफोबिया किसका डर होता है? अंधेरे में डर, क्या होता है? नेक्टोफोबिया जो होता है ना, अंधेरे में डर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? अंधेरे में डर को बोलते हैं नेक्टोफोबिया। सेकेंड इसका राइट होगा, क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्टोफोबिया मतलब अंधेरे में डर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक, हाँ प्राध्यापक कौन थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के जो प्राध्यापक थे उनका नाम क्या था? तो वो प्राध्यापक का नाम क्या था? कौटिल्य थे। कौन दोस्तों? कौटिल्य थे, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के जो टीचर थे कौटिल्य थे। ये कौटिल्य का नाम क्या है? कौटिल्य को ही बोलते हैं विष्णुगुप्त बोलते हैं, कौटिल को बोलते हैं विष्णुगुप्त, इन्हीं का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया? हाँ तो राजस्थान द्वारा, सबसे पहले जो पंचायती राज अपनाया गया था तो राजस्थान राज्य द्वारा सबसे पहले अपनाया गया, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विदेशियों से भय को, किसको? विदेशियों से भय को किस नाम से जानते हैं? तो विदेशियों से भय जीनोफोबिया। क्या है दोस्तों? विदेशियों से जो भय है उसको बोलते हैं जीनोफोबिया। क्या बोलते हैं? जेनोफोबिया, विदेशियों से भय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? बताइएगा तिल्लाना क्या है? तिल्लाना जो है किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है, ये आपको बताना है। तो यह है दोस्तों आपकी भरतनाट्यम की प्रस्तुति शैली। किसकी है? भरतनाट्यम की प्रस्तुति शैली है तिल्लाना। फर्स्ट नंबर राइट होगा, क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, इसकी इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो ताकत की इकाई है वो आपका टेस्ला है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई होती है टेस्ला। देखिए ओम, ओम आपका प्रतिरोध की इकाई है। ओम क्या है? ओम आपका प्रतिरोध की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रुलस, क्या? सिट्रुलस लैनाटस का वनस्पतिक नाम है, किसका वनस्पतिक नाम है? सिट्रुलस लैनाटस किसका वनस्पतिक नाम है? तो ये वनस्पतिक नाम किसका है दोस्तों? तरबूज का। सिट्रुलस लैनाटस जो है किसका दोस्तों? सिट्रुलस लैनाटस जो है तरबूजा का वनस्पतिक नाम है, ये आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया का अर्थ क्या होता है? तो फोटोफोबिया का जो अर्थ होता है प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। देखिए फोटो मतलब ही होता है प्रकाश, फोटान प्रकाश, तो फोटोफोबिया का अर्थ क्या होता है? फोटोफोबिया का होता है प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। किसके प्रति? प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? बताइएगा, क्या बताना है आपको? आपको बताना है हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था। चलिए आंसर कीजिए, तो हैदराबाद का जो अंतिम निजाम था मीर उस्मान अली खान। कौन था? मीर उस्मान अली खान था हैदराबाद का अंतिम निजाम। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो का, और जितने भी साथी लाइक नहीं किए लाइक कर दें एक बार ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। चलिए और शेयर कर दीजिए एक बार व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप में शेयर किया करिए आप, ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के पास वीडियो पहुंच जाए, वो भी पढ़ने लगे। क्या क्वेश्चन? 45 नंबर, पद्म विभूषण क्रम में भारत का नागरिक सम्मान है कौन सा है? जो पद्म विभूषण है कौन से नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये है दोस्तों, बताइएगा, तो कौन से नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहले होता है भारत रत्न, फिर होता है पद्म विभूषण। क्या होता है? पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्म श्री। ये क्रम है इसका। तो पद्म विभूषण क्या है? दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म भूषण। क्या है?
पद्म विभूषण, सॉरी पद्म विभूषण जो है दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न का त्यौहार देवी दुर्गा और उनके नौ रूपों को समर्पित है, किसका दोस्तों, निम्न का जो त्यौहार है देवी दुर्गा और उनके नौ रूपों को समर्पित है, तो ये जो दोस्तों है नवरात्रि, कौन सा त्यौहार, नवरात्रि जो त्यौहार होता है देवी दुर्गा के लिए मनाया जाता है नवरात्रि त्यौहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के 11वें राष्ट्रपति निम्न को मिसाइल मैन कहते हैं, भारत के जो 11वें राष्ट्रपति हैं, भारत के 11वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं उनको मिसाइल मैन कहते हैं, उनका नाम आपको बताना है, भारत के 11वें राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन, क्या नाम है उनका, APJ अब्दुल कलाम, क्या नाम है दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम नाम है, चौथा राइट होगा, क्या राइट आंसर होगा, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नौ रत्नों में शामिल नहीं था, बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है विक्रमादित्य के दरबार में नौ रत्नों में शामिल नहीं था, बताइए कौन था जो नौ रत्नों में शामिल नहीं था, चलिए बताइए, तो नौ रत्नों में जो शामिल नहीं था दोस्तों आपका सूरदास, देखिए नौ रत्नों में कालिदास सम्मिलित था, वररुचि शामिल था, छपड़क शामिल था, लेकिन सूरदास नौ रत्नों में शामिल नहीं था विक्रमादित्य के, तो थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 देखना है, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता, बताइए किसमें जो है ऑप्टिकल लेंस नहीं होता, ये आपको बताना है, पेरिस्कोप में, स्टेथोस्कोप में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, हाँ किसमें नहीं होता, तो ऑप्टिकल लेंस जो नहीं होता है वो आपका स्टेथोस्कोप में, किसमें, स्टेथोस्कोप में जो है ऑप्टिकल लेंस नहीं होता, किसमें होता, स्टेथोस्कोप में जो है ऑप्टिकल लेंस नहीं होता, सेकेंड राइट होगा, क्या राइट आंसर होगा, सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम किसका दोस्तों, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है, बताइए तुंगभद्रा नदी किसका दोस्तों, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था, हाँ बताइएगा किसका, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था, क्या था प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम दोस्तों पंपा, क्या था, तुंगभद्रा का नदी का किसका दोस्तों, तुंगभद्रा नदी का जो प्राचीन नाम था वो था दोस्तों पंपा था, क्या नाम था, पंपा, सेकेंड राइट होगा, क्या राइट आंसर होगा, सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। देखिए 50 क्वेश्चन का जो सेट है ये कंप्लीट होता है यहाँ पर, शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या है आपको, देखिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनिए गुरुकुल प्लस ऑफिशियल को और करे अपने रेलवे RSSC का सपना साकार, डाउनलोड दिया नाउ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक, जो कि है विज्ञान 40 करके। साथियों विज्ञान 40 जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है दोस्तों, इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बायलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान 40 अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं, 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों आपकी विज्ञान 40 है। और परीक्षा दोस्तों 101% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रख लेना है बच्चा, इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा, पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चे रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखे गए जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि वो सबके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान 40 के बारे में, दोस्तों देखिए जैसे आप रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो, तो दोस्तों क्या होता है जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे 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 करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रट जाती है, मौखिक चालीसा रट जाती है, उसी बार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। एक मैं ये मानने चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा, पहली बार में आप
रटो, रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि बनलाइनर फॉरवर्ड चीज़ है, बनलाइनर में रटने की आसानी होती है। बच्चा पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है। बच्चा इतना पढ़ के जाओ, आधा आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है, विज्ञान चालीसा आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है। बच्चा यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, 21-22 दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे। बच्चा ये जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए, बच्चा यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सेलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखे गए हैं, भाई न्यूमेरिकल भी रखेगा बनलाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल दो से तीन क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा ये 40 आपके लिए। आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए, कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर अब आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे। बच्चा अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चा 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30-40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान 40 जरूर लीजिए आप, देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा आपको, क्योंकि क्वेश्चन रटना है बच्चा। अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बैठना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है आपको रिविजन करना, आपको बार बार रिविजन करना, जब तक रिविजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाएँ बच्चा। ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है, उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान 40 आप जरूर ले लीजिए, एक बार ट्रस्ट करके आप विज्ञान 40 लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान 40 पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफी एक्सपीरियंस हो गया, 7-8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीजें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीजें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथ ही जो 40 केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा है कि 40 कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारी प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 885 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए, बच्चा मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइपिस्ट ने टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं, और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं। तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है, और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए इस बार बिल्कुल ठान लो, तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट 40 आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी, इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है, ठीक है। पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा,
नई टेस्ट से मतलब टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ई बुक मिलेंगी आपको, डेली कोच मिलेंगी साथियों जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट कोच हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तो आप देख लीजिए कोच फॉर्म में चैप्टर वाइज कोई टली हुई है। पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे डाउनलोड, अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरु कृपा ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं कष्ट क्रिया चीज़ें करके चलता हूं, मैं आपको बिल्कुल सही सही बताता हूं जो जो चीज़ें चल रही हैं। साथियों मैं आपको बिल्कुल कष्ट क्रिया बताता हूं ताकि आपको एप्लीकेशन मैं आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप दो चार मिनट का समय दीजिए, चार पाँच मिनट का समय दीजिए ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरु कृपा ऑफिशियल डाउनलोड, ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है भाई। ओके देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन, देखिए भाई बताइए कि ऐप कैसी लग रही है भाई, ये है आपकी एप्लीकेशन भाई, तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों, ठीक है। गुरु के प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है, ठीक है। और साथियों गुरु के प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5-स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, और ठीक है मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5-स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है, ठीक है। तो सूर्य दोस्तों देखिए जब आप लोग कमेंट करते हैं रिव्यू और कमेंट करते हैं तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं, तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे नो डाउट दोस्तों। तो आप 5-स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है, ठीक है भाई। चलिए इसके अलावा साथियों जैसे ही आप एप्लीकेशन आपको क्या करना है रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है, ठीक है। तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन में, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा और पासवर्ड रहता है 123456, वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे ई बुक रहेंगे पीडीएफ रहेंगे सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे, कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज दो हैं, जो एक एसएससी का एक आपका रेलवे का, और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, फीड वाले ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट रहते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलें, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो, कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटिव रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी, डेली कोच वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा। डेली कोच में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और एसएससी की कोच डाल रखी हैं जिसको आप अटेंड कीजिए, यूथ पब्लिकेशंस के बेस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए कोच के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा, साथियों ये समझ लीजिए एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथियों ऑप्शन है जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो आपको केवल फोटो खींचना है आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन पर आ गए आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। और इसके अलावा साथियों जैसे ही फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के कोर्सेज मिल जाएंगे, आरआरबी ग्रुप डी के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया साथियों, जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेगा, सब कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाय नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को, ठीक है। साथियों मैं बिल्कुल कष्ट क्रिया आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसकी बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चले गए तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। एसएससी की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था, फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वोट्स मिला करेंगे डेली जिसको आपको स्क्रॉल करना होगा। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, इमेज उस पर आपका लोड रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपके लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके, ठीक है। और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है, पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब चार्ज सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें, एप्लीकेशन का मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। डेली कोच वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट
यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली कोच वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली कोच मिलेंगी रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग, अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइए आखिर इसके में आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं, अभी आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको जीके कोच में मिल जाएंगे, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चे हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही यार पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन। इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा, और बेसिकली हम लोगों का डाउट नेट वालों से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथियों फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, सॉल्यूशन उसका, ठीक है। और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट, 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के साथियों हम लोगों का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है, अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हम लोग मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ताकि आप मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है, सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर, आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें, सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको, बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं, यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है, और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे, यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे कोई भी वीडियो पीडीएफ वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अब आल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं, जिसमें आपको साथियों बेसिकली दो वैलिडिटी मतलब दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहाँ पर आपको गूगल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे आपको, पैनल पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है, ठीक है। तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, एसएससी सीजीएल की कोर्सेज और जितने भी इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का, रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। पीसीएस का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में तो आपको पीसीएस का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे 1 साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है साथियों, आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 8851 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला, ठीक है। आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा, रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।